हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल पे में UTR नंबर कहाँ होता है, क्या होता है और ये आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जिस तरीके से फोन पे में UTR नंबर होता है, वैसे ही आप लोग गूगल पे में कैसे अपना UTR नंबर चेक कर पाएंगे और कहाँ आपको मिलता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। यदि आप लोग स्किप करके देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा और आप लोग मेरे पास कॉमेंट करोगे कि मुझे UTR नंबर नहीं मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिए और यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं गूगल पे में UTR नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको पहले बताऊँगा फ़ोनपे के बारे में, फ़ोनपे में आपको UTR नंबर कैसे मिलता है, फ़ोनपे में कैसे मिलता है और गूगल पे में कैसे मिलता है। तो देखिए आप लोग जब भी यहाँ पर फ़ोनपे में अपना UTR नंबर चेक करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने किसी को पैसे भेजे या किसी के पास पैसे रिसीव किए, ठीक है, उसका जो ट्रांजेक्शन रहता है, उसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहती है, जो हिस्ट्री रहती है, आप लोग हिस्ट्री में जाकर वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे की साइड में UTR नंबर मिलता है फ़ोनपे के अंदर, ठीक है, जहाँ पर लिखा रहता है UTR नंबर, जो कि यहाँ पर पूरे 12 अंक का होता है, 12 अंक का UTR नंबर होता है। सेम उसी तरीके से यदि आप लोग गूगल पे में UTR नंबर चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, गूगल पे में आपको अपना गूगल पे ओपन करना है एंड उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको नीचे जाना है जहाँ पर सो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहती है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहती है, जिस भी बंदे के पास आपने पैसे सेंड किए या भेजे हैं, जिस भी ट्रांजेक्शन का आपको UTR नंबर चाहिए, ठीक है, तो उसको आपको क्लिक करना है एंड उसको क्लिक करने के बाद आपको खोल लेना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को। वहाँ पर नीचे जाओगे तो वहाँ पर UPI रेफरेंस आईडी रहती है, वो वहाँ पर UTR नंबर रहता है। इसमें UTR नंबर नहीं होता, इसमें UPI रेफरेंस आईडी होता है, जो कि UTR नंबर ही होता है, 12 अंक का ही होता है UPI रेफरेंस आईडी गूगल पे में। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर गूगल पे में अपना UTR नंबर निकाल सकते हो। UPI रेफरेंस आईडी भी UTR नंबर ही होता है गूगल पे में, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया है कि UTR नंबर कैसे निकाला जाता है, UTR नंबर क्या होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यार, मिलते किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम।